एक मी टू मूवमेंट चल रहा है बॉलीवुड में और मेनका गांधी ने भी अभी यूनियन मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है मी टू मूवमेंट को जो तनुश्री दत्ता को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है आपका क्या राय है इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो कहीं भी हो चाहे फिल्म का स्पेस हो या चाहे ऑफिस की स्पेस हो या चाहे जर्नलिज्म की ऑफिस हो हमें हमारी जो लेडीज़ हैं हमारी जो औरतें हैं जो गर्ल्स हैं उन्हें सुरक्षित महफूज फील कराना ये हमारी जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉट ओनली एज मैन बट एज अ सोसाइटी एक समाज के तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी है तो चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो या चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो लेडीज़ को एक रिस्पेक्ट और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस मिल गई हमको 70 साल हो गए लेकिन इस देश में इतनी सारी औरतें हैं लड़कियाँ हैं जिनको अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली और ये जो कोई भी बिजनेस में किसी भी इंडस्ट्री में चाहे कोई कितना भी बढ़िया हो कितना भी सक्सेसफुल हो मुझे लगता है कि वो पावर वो मकाम को गलत इस्तेमाल करना उसका उस पावर का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करना किसी पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करना लॉबीइज्म और ये जो चलता है लोगों के ऊपर प्रेशर डालना काम से निकलवा देना ये कर देना ये सब अब हट जाना चाहिए आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है कभी कभी एक पर्ज होता है ना जैसे मीटू में हुआ है एक पर्ज हुआ है कि सिस्टम साफ हो गया वहाँ पे मुझे भी लगता है कि हमारे यहाँ भी सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर बिजनेस में हर फील्ड में ये पर्ज होना ज़रूरी है अब हम बॉलीवुड की बात करते हैं लेकिन यही चीज़ हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं जो जर्नलिज्म में है मीडिया में है उनसे भी हमें यही बात सुनने को मिलती है स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में है तो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में भी लोग हमसे यही बात करते हैं जब मैं बड़े बड़े जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे बात करता हूँ तो वो भी अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं तो ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर है इसे तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए बंद करना चाहिए और रेपरकशन होना चाहिए तनुश्री दत्ता झूठ बोल रही है क्या तुझे नाना पाटेकर ने छुआ अभी तेरे में हीरे लगे हैं क्या कल मैं मीडिया के सामने आके बोलूं कि राहुल गांधी ने मेरा रेप किया है क्यों हंसे ना As someone who have been in the industry for so long, I want to ask you this question. Tanushree Dutta recently, she accused veteran actor Nana Patekar of sexual misconduct on the sets of a movie. I want to, especially Amir and Amitji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. सर ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर कैसे उत्तर दूं आपके सवाल के Really request that we use this forum to talk about thugs of Hindustan. No, I request you, ma'am. Please let him speak. No, I'll tell you why I won't speak because हमारी फिल्म रिलीज पर है मैं कुछ भी बोल दूंगा मेरी फिल्म रुक जाएगी तो फिल्म की रिलीज हो जाए उसके बाद मैं ये सारे सवाल के जवाब दूं सलमान वन मोर क्वेश्चन टू यू दिस साइड ऑन योर लेफ्ट हियर सो आप यहाँ पर हैं हम खेल की बात कर रहे हैं और महिलाओं के बारे में हम जब भी बात करते हैं देखा है हमने आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन इन दिनों बॉलीवुड में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर कई आरोप लगाए हैं और सलमान आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री से होने के नाते आप लोगों को इस पर रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि वैसे हम देखते हैं इंडस्ट्री से हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस माय डियर इफ आई एम अवेयर ऑफ दिस लेट मी No, let me understand what is happening. Even for the earlier question, I've been here. I don't know what he's talking about, but I'm sure the legal team will handle that. And for what you are saying, if we will see what is going on, okay? I'm not aware of what you're talking. Thank you, ma'am. Thank you. इतना कुछ बोलना चाहूँगा. सबसे please request है कि इस host का dignity maintain करें. And this is a event up. Madam? Which event have you come from, madam? सलमान आप हमेशा हमें नहीं मिलते इसलिए जब मिलते हैं इसलिए ये सवाल तो हम पूछना चाहते हैं आपसे रोज मुलाकात हमारी नहीं होती जी हाँ लेकिन what event have you come from, madam? इवेंट से जुड़े सवाल पूछ सके हैं सर पूछ चुके हैं ऑलरेडी सभी लोगों ने ये सवाल जायज था इसलिए पूछा आपने अपने हिसाब से आंसर किया थैंक यू सो मच दिया मैंने आपको जी थैंक यू मैम थैंक यू प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि दिस इज अ स्पोर्टिंग इवेंट एंड बी सपोर्टिव और स्पोर्ट्स दिस इज अ स्पोर्टिंग इवेंट बी स्पोर्टिंग Thank you, ma'am. Further question, please.
उधर माइक दे दीजिए वो पीछे ये 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 माइक यहाँ पे मत देना प्लीज इस सेक्शन को ब्लॉक करो ये बहुत कहाँ के कहाँ लेके जा रहे हैं हमको भाई ये इधर तो उधर 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 तो माइक उधर 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 तो माइक अरे नहीं I think it's, I don't know what happened, so I can't really comment on it, but it's very sad that these things happen. But I really don't know ki kya hua hai. Also, mujhe pehli baar tab pata chala jab bhi aaj press conference mein kisi ne bola. But agar kuch hua hai, to it's very sad.